पहले मैंने लिए हैं ब्लैक चने 250 ग्राम और इन्हें मैंने रात भर पानी में सोख करके रखा था अब इन्हें हम कुकर में डाल लेंगे और आधा चम्मच नमक डालेंगे दो गिलास पानी डालेंगे और इसे गैस पे तीन सीटी लगा लेंगे और एक मसाला तैयार करेंगे एक बाउल में सबसे पहले लेंगे धनिया पाउडर एक चम्मच रेड चिली पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच नमक लेंगे स्वाद के अनुसार और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी जिससे कि इतना पानी डालना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए पेस्ट अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर डालेंगे दो बड़े चम्मच देसी घी और उसके अंदर डालेंगे एक छोटा चम्मच हींग एक चम्मच जीरा और इसे थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने पेस्ट बना के रखा था और दो हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई अमचूर पाउडर एक चम्मच गरम मसाला एक चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे थोड़ा सा एक एक से दो मिनट तक इसे थोड़ा सा पका लेंगे लो फ्लेम पे और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने बॉईल करके चने रखे थे वो डालेंगे और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से और ये जो चने की रेसिपी है ये इसमें प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी बहुत ही ज़्यादा होता है और आप चाहें तो इसे व्रत में भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे सुबह या शाम के नाश्ते में भी बनाकर खा सकते हैं तो ये देखिए अब इसे हमने मिक्स कर लिया अच्छे से अब हम इसका ढक्कन ढक धक देंगे दो मिनट के लिए और दो मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे ढक्कन तो ये हमारे चने जो मसाले हैं चनों ने उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छे से और ये देखिए चने पक चुके हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये माता के भोग के काले चने बन के तैयार हो चुके हैं और अब हम बनाते हैं हलवा सूजी का हलवा तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच देसी घी और फिर इसमें डालेंगे हम एक कटोरी सूजी यानी कि ये सौ ग्राम के आसपास होगी और इसे अच्छे से रोस्ट करना है तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आँच को ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है मीडियम पे ही रखना है और धीरे धीरे इसे अच्छे से भुनना है जिससे कि ये जब तक ये थोड़ा सा सुनहरा हो जाए ये देखिए इस तरीके से और ये जो हलवा होता है इसे अशमी और नौमी दोनों के प्रसाद के लिए बनाया जाता है तो ये देखिए अब इसके अंदर डालेंगे हम ग्रेटेड कोकोनट ये सूखा नारियल है जो कि मैंने कद्दूकस करके डाला है और इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे हम मिक्स करके और अब हम इसके अंदर डालेंगे कटे हुए बादाम थोड़ी सी किशमिश और इसे दो मिनट तक फिर से पका लेंगे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये अच्छे से थोड़े से करारे हो जाएं और अब देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी डेढ़ गिलास थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है पानी बिकॉज़ जो सूजी होती है वो फूलती है अब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी स्वाद के अनुसार और इसका हम ढक्कन ढक धक देंगे पाँच से सात मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और ये देखिए अब हमारा हलवा पकने लगा है तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा अब इसे फिर से चला लेंगे इसी तरीके से इसे चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे ही और ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा और ये जो हलवा है ये बहुत ही दानेदार हलवा बनेगा ये देखिए और अब हम इसके अंदर डालेंगे एक चुटकी इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है तो अब इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से और अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ और उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बोल आटा और उसके अंदर डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे सूखा ही मिक्स करना है पहले पानी नहीं डालना है और ये देखिए इस तरीके से ताकि कहीं भी लम्स ना रह जाएँ और इसके अंदर अब हम डालेंगे सूजी दो छोटे चम्मच इससे जो पूड़ियाँ होंगी वो बहुत ही करारी बनेंगी तो इन्हें अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया है अब धीरे धीरे पानी डालेंगे इसके अंदर और इसका एक डोसा गूँथ लेंगे आटा अच्छे से गूँथ लेंगे थोड़ा सा हार्ड आटा गूँथना है तो ये देखिए और इसे अच्छे से गूँथना है और अगर आपके घर पे अष्टमी मनाई जाती है तो ये तीनों ही रेसिपी आप अष्टमी पे बना सकते हैं और अगर आपके घर पे नवमी मनाई जाती है तो आप उस पर भी ये प्रसाद की तीनों रेसिपीज़ बना सकते हैं तो ये देखिए आटा गुस चुका है अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम आधे घंटे के बाद हाथों को ग्रीस कर लेंगे देसी घी से और इसकी छोटी छोटी हम बॉल्स बनाएंगे आटे की जिस साइज़ की आपको पूड़ियाँ चाहिए हों उसी साइज़ की छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे अगर आपको बड़ी चाहिए पूड़ियाँ तो बड़ी बॉल्स बनाएंगे और छोटी चाहिए तो छोटी बनाएंगे तो मुझे छोटी पूड़ियाँ बनानी है तो इसीलिए देखिए मैं छोटी छोटी बॉल्स बना रही हूँ इस तरीके से और इन्हें थोड़ा सा पचका लेंगे इस तरीके से अब ये सारे हमने लोहियाँ बना ली हैं अब हम हल्का सा इन पर ऑयल लगाएंगे और इसे बेलन से बेल लेंगे पूड़ी को और मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पर एक कढ़ाई में और ये देखिए दूसरी भी इसी तरीके से बेल लेंगे अब हम फटाफट से फ्राई कर लेंगे पूड़ियों को तो ये देखिए हम इसमें डाल देते हैं पहले हम थोड़ा सा आटे का थोड़ा सा हिस्सा डाल के देख रहे हैं तो ये गर्म हो चुका है ऑयल तो अब हम इसके अंदर पूड़ियाँ डालेंगे एक एक करके जो गैस की आंच है वो हमें मीडियम टू हाई ही रखनी है तभी पूड़ियाँ करारी बनेंगी ये देखिए और फिर दूसरी पूड़ी भी हम इसी तरीके से पका लेंगे और ये हमारी पूड़ी की रेसिपी भी बन के तैयार हो चुकी है और अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपीज़ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू